बच्चों, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशंस वाला चैप्टर चल रहा था, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन वाले चैप्टर में हमने जो है डिस्कस कर लिया था वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फोर्स वगैरह को, है ना। हमने वेलोसिटी और एक्स में ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया था, एक्सीलरेशन एक्स में ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, एफ और एक्स में ग्राफ ड्रॉ कर लिया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज बात करना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, है ना। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ही एम वी स्क्वायर होती है, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी जब एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इस हाफ एम वी की वैल्यू हम अलग अलग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वी की वैल्यू अलग अलग, ध्यान दो। अगर अगर एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी होता, अगर होता तो वी क्या होता, तो वी होता ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। और अगर एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी होता तो वी क्या होता, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए, आपने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर लिखना है, तो अगर मान लीजिए हम वो लिखते हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कब? व्हेन व्हेन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तब आएगा बेटा ऐसा, राइट। एंड इट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये कब आएगा, व्हेन एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तब ऐसा आएगा, करेक्ट। ओके, हमने कल आपको बताया था कि वी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बताया था। आप जरा यहां पे वी की वैल्यू रख दीजिए, देयर फोर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका, राइट। अब इस काइनेटिक एनर्जी में क्या है, आप अगर एक्स बराबर जीरो लिख दें, एक्स बराबर जीरो यानी मीन पोजीशन, एक्स बराबर जीरो माने मीन पोजीशन, तो ध्यान दीजिए, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। इट इज कॉल्ड एज हाफ के ए स्क्वायर, के इज रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, एम ओमेगा स्क्वायर को हम रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अब देखो, आपके अलग अलग ग्राफ की अलग अलग सीन बनेगी। अगर आपका एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी था, अगर था, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी आएगा आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो आप काइनेटिक एनर्जी का अगर टाइम के साथ में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, ये कोसाइन स्क्वायर कर्व आएगा, यानी ये ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। अच्छा, अगर आपने एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी लिख दिया, फिर आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपका साइन स्क्वायर का अलग ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, साइन स्क्वायर वाला ग्राफ आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट। देखिए, साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता था, ये साइन स्क्वायर का ग्राफ आएगा, राइट। ओके, अगर हम वी और एक्स में ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए सीन ऐसा है कि एक्स बराबर जीरो तो काइनेटिक एनर्जी कितना, मैक्सिमम, और एक्स बराबर प्लस माइनस है तो काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो। अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी में और एक्स में ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ ऐसा आएगा बेटा, देखो ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है एक्स बराबर जीरो, यहां पर है एक्स बराबर प्लस ए, यहां पर है एक्स बराबर माइनस ए। आप एकदम स्टेप वाइज स्टेप देखें, है ना, एक्स बराबर माइनस ए थोड़ा दूर लगा दिया ज्यादा, हाँ मेरे को लगता है ये दूर लगा दिया ज्यादा, है ना। आप देखिए, एक्स बराबर ये है प्लस ए और यहां आएगा एक्स बराबर माइनस ए, आई थिंक यहां पर आएगा, है ना,
माइनस ए। अब आप ध्यान दो, x बराबर जीरो पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और फिर ये मिनिमम होगा, ये ग्राफ पैराबोला होगा। सवाल ये उठता है ये पैराबोला क्यों होगा, ये ग्राफ कारण क्या है पैराबोला होने का। देखिए जी, पैराबोला होने का कारण मैं बता रहा हूँ, पैराबोला होने का कारण मैं बता रहा हूँ। देखो हाफ एम वी स्क्वायर कितना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो ये देखो यहाँ रहा वी बराबर ये था बेटा, ये आपको कल हमने पढ़ाया था है ना, तो आपके पास में ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी जब ये आ गया तो ये तो ए के एक काइनेटिक एनर्जी पर पावर वन है, एक्स पर पावर टू है, तो पैराबोला आएगा ग्राफ, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया। अब अगले स्टेप पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। हमने आपको पढ़ाया था एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, यस एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स हमने आपको पढ़ाया था, किसमें, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में। तो एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ओके। जब एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स है तो यह है माइनस के एक्स, तो सोचिए जरा डी यू बराबर क्या आ जाएगा, डी यू बराबर आ जाएगा के एक्स डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए है ना, तो जीरो से लेके यू तक कर दीजिए, इसको जीरो से लेके एक्स तक कर दीजिए, आपका यू बराबर आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपके पास में यू का फार्मूला आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाई टू, तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा है ना। जब आपके पास में यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया, तो अब देखिए दो तीन बातें हम एक साथ लगातार कर देंगे। सबसे पहला, इफ एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, आपका यू कितना आएगा, आपका यू आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपका यू और टी में जो ग्राफ आएगा, यू और टी में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, ये आएगा यू में और टी में ग्राफ। दूसरा, अगर आपने एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी किया तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि एक कोसाइन वाला ग्राफ आएगा, स्क्वायर वाला कोसाइन स्क्वायर का ग्राफ आएगा, राइट। तो यू बराबर आ जाएगा कोसाइन वाला स्क्वायर ग्राफ, मॉड्यूलस कोसाइन का है ना। अच्छा, अब देखिए यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर है बेटा, यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो मैं यू और एक्स में ग्राफ ड्रॉ करूंगा, यू एंड एक्स। देखिए यू एंड एक्स में ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं बेटा यहाँ पे लिखूंगा x और यहाँ पे लिखूंगा u, सो प्लीज लुक एट u एंड लुक एट x, x आप एक काम करिए प्लस x लिखिए एक जगह, एक जगह प्लस a लिख दीजिए प्लस a, और दूसरी जगह इधर की तरफ आप लिख दीजिए माइनस a, माइनस a, राइट। अब देखिए जब u बराबर आपका हाफ के एक्स स्क्वायर है तो x बराबर जीरो पर u कितना होगा, x बराबर जीरो पर आपका u जीरो आएगा, x बराबर जीरो पर u जीरो आएगा, यानी ग्राफ यहां होगा, राइट। फिर x बराबर प्लस माइनस a पर क्या आएगा, x बराबर प्लस माइनस a पर कैसा आएगा, प्लस माइनस a पर ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ। इसे कहते हैं पोटेंशियल वेल। इस ग्राफ का नाम क्या है, पोटेंशियल वेल, ग्राफ बिटवीन यू एंड एक्स। ध्यान दो, ग्राफ बिटवीन यू एंड एक्स इज कॉल्ड पोटेंशियल वेल। वेल एनी पार्टिकल doing motion, any particle doing motion as per ux graph, ux graph like potential well, as per ux graph like potential well, like potential well, potential well जैसा graph है ना,
पोटेंशियल वेल इज SHM, किसी भी पार्टिकल की मोशन जो है जो पोटेंशियल वेल के जैसी हो रही है तो वो SHM है। अगर पोटेंशियल वेल के जैसी मोशन हो रही है तो वो SHM है। इस पोटेंशियल वेल की कुछ खास बातें बताता हूँ मैं आपको। देखो, स्लोप एट द मीन पोजिशन है ना, ध्यान दीजिए इस पोटेंशियल वेल की खास बातें मैं यहां बताता हूं। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन पोटेंशियल वेल, सम इंपॉर्टेंट नोट्स इन पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल पर कुछ नोट्स की बात कर रहे हैं अपन, मतलब कुछ अलग अलग बातें हैं ना पोटेंशियल वेल की। देखो बेटा एक बात सुनो, x बराबर 0 पर आपका यू मिनिमम है, मिनिमम है ना, और x बराबर प्लस माइनस a पर, प्लस माइनस a पर आपका u मैक्सिमम है। ओके, x इक्वल टू 0 पर आपका du अपॉन dx स्लोप, du अपॉन dx स्लोप ये 0 है, ये 0 है। ध्यान दो, x इक्वल टू 0 पर स्लोप 0 है बेटा। यहां देखो x इक्वल टू 0 इस पर स्लोप ये है, तो स्लोप 0 है x इक्वल टू 0 पर। यहां पर स्लोप 0 है, यहां पर स्लोप मैक्सिमम है, यहां पर स्लोप मैक्सिमम है ना। हाँ, तो स्लोप 0 है, स्लोप 0 है यानी फोर्स 0 है, यानी फोर्स 0 है। इसका मतलब मीन पोजीशन पर फोर्स हमेशा 0 होगा। इट मींस फोर्स विल ऑलवेज बी 0 एट मीन पोजीशन। फोर्स विल ऑलवेज बी 0 एट मीन पोजिशन, 0 होगी हमेशा, हमेशा 0 होगी फोर्स मीन पोजिशन पे। चलिए आगे बढ़िए, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम x बराबर प्लस माइनस a की बात करें, प्लस माइनस a की बात करें, तो यहां पर u मैक्सिमम है और स्लोप भी मैक्सिमम है, स्लोप भी मैक्सिमम है, यानी यहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा है ना। हाँ, तो देखिए Hence, at extreme positions, x बराबर प्लस माइनस a, at extreme positions, x बराबर प्लस माइनस a, x बराबर प्लस माइनस a, है ना? The restoring force is maximum. मैक्सिमम, सबसे ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगा, है ना। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। मैं बात करूंगा एक्चुअल एग्जीक्यूशन, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ SHM। देखो मैं फेज और टाइम की बातें बाद में करेंगे, फिलहाल मैं है ना जो अलग अलग क्वांटिटीज की वैल्यूज की बातें कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम की बातें और फेज की बातें हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल जो है ना मैं आपको अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में बता देता हूँ। देखो बेटा SHM क्या होती है ये मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, सभी बच्चे स्ट्रेट लाइन देखें, मैं स्ट्रेट लाइन दोबारा बना रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन देख लीजिए सभी बच्चे, ये है स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन देख लो बेटा, सभी बच्चे स्ट्रेट लाइन देख ले, मैं ये करेक्ट। इस स्ट्रेट लाइन की क्या खास बात है, खास बात ये है स्ट्रेट लाइन की कि SHM जब स्टार्ट होगी तो मान लीजिए ये ओरिजिन है, दिस इज द मीन पोजिशन, यहां कह दूंगा मैं x बराबर प्लस a, यहां कह दूंगा मैं x बराबर माइनस a, करेक्ट। ये है बेटा, तो जो पार्टिकल SHM कर रहा होता है ना, मान लीजिए स्टार्ट में वो यहां पर है, यहां पर है, तो यहां से यहां चलेगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ऐसा करेगा है ना।
पार्टिकल ऐसे ही करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि पार्टिकल को शुरू करता हूँ, कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू कर देते हैं ना, यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो देखिए चलो यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से शुरू कर दो, है ना। मान लीजिए यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आता है, इसका मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक पार्टिकल आ चुका है, SHM करने वाला पार्टिकल, है ना। फिर ये यहां से यहां आएगा, फिर ये यहां से यहां आएगा, फिर ये यहां से यहां आएगा। देखिए सच में SHM की बात कर रहा हूं मैं, SHM ऐसे होती है, यहां से मीन पोजीशन से पार्टिकल चला एक्सट्रीम पर आया, फिर एक्सट्रीम से वापस आया, फिर दूसरी मीन पोजिशन पर आया, फिर दूसरी एक्सट्रीम पर आया, फिर गया, फिर मीन पोजिशन पर आएगा, फिर जाएगा, फिर अगली एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर मीन पोजिशन पर आएगा, फिर जाएगा। इस तरह से ये पार्टिकल SHM करता रहेगा जिंदगी भर, राइट। अब देखिए मैं एक टुकड़े को ले रहा हूँ सबसे पहले, तो ये फोर्थ टुकड़ा है, 1/4 टुकड़ा पूरे चक्कर का। ध्यान दीजिए यहाँ से जब चल करके यहाँ आया तो ये चौथाई चक्कर हुआ, चौथाई साइकिल, साइकिल यहाँ से जब चल के आया तो ये चौथाई साइकिल फिर हुआ, फिर ये चौथाई साइकिल हुआ, फिर ये चौथाई साइकिल हुआ। तो देखिए क्या हुआ, ये जो कंप्लीट साइकिल है ना, कि पार्टिकल चला मीन पोजीशन से, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर आया, दिस एंटायर साइकिल, पार्टिकल मीन पोजीशन से चला एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, वापस मीन पोजीशन पर आया, फिर इधर गया और फिर इधर आया, दिस एंटायर साइकिल इज कॉल्ड एज वन हार्मोनिक। इस साइकिल का नाम है बेटा, देखिए दिस एंटायर साइकिल इज कॉल्ड एज व्हाट, वन हार्मोनिक, वन साइकिल, वन ऑसिलेशन इसका नाम है। इसका नाम क्या है, वन हार्मोनिक, वन हार्मोनिक इसका नाम है, वन ऑसिलेशन इसका नाम है, वन साइकिल, वन हार्मोनिक, वन ऑसिलेशन, वन साइकिल, वन वाइब्रेशन भी इसको कहते हैं, इसको वन वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, वन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है ना, वन ऑसिलेशन, वन हार्मोनिक, वन वाइब्रेशन, वन साइकिल, है ना। हाँ दैट इज। अब देखिए ये जो है ना, ये फर्स्ट साइकिल है, इसका पूरे का पूरा जो पीरियड होता है ना उसको हम कैपिटल टी कहते हैं, है ना। तो कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। और टाइम पीरियड इसको हम कहते हैं 2π फेज एंगल, पूरा का पूरा कंप्लीट साइकिल का फेज एंगल कितना होता है, 2π फेज, 2π रेडियन, कंप्लीट साइकिल का फेज एंगल होता है 2π। अब आप देखेंगे तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, इसको कहते हैं जीरो, तो यहां पर आपका जो पाई है, फेज है ना, फेज ये जीरो है, यहां पर जीरो फेज, देखो ये 2π फेज है ना बेटा, पूरे का पूरे साइकिल की फेज 2π है, पूरे साइकिल की फेज 2π है। आप 2π में 4 का भाग लगा दो, 2π में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा, है ना। 2π में 4 का भाग लगाने पर पाई बाई 2 आता है आजकल, 2π में 4 का भाग लगाने पर पाई बाई 2 आता है, हाँ। तो ये जीरो आया, ये आएगा पाई बाई 2, ये इसको भी हम पाई बाई 2 ही बोलेंगे, एक ही पॉइंट है बेटा ये तो, है ना, ये तो सेम पॉइंट पर ही है, यहाँ से यहाँ तक ये पाई बाई 2, फिर यहाँ से पाई बाई 2 ऐड कर दो तो ये पाई हो जाएगा, फिर यहाँ से पाई बाई 2 ऐड कर दो तो ये 3π/2 हो जाएगा, और ये 3π/2 हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पे 2π आ जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अच्छा टाइम पीरियड के हम चार टुकड़े करें, तो अगर हम टाइम पीरियड के चार टुकड़े करें तो यहाँ पर जीरो टाइम आएगा बेटा, यहाँ पर टाइम आएगा T/4, यहाँ पर टाइम T/4 ही होगा क्योंकि सेम पॉइंट है ये, है ना। यहाँ पर टाइम आएगा T/2, यहाँ पर टाइम आएगा 3T/4, और फिर यहाँ पर टाइम कैपिटल T हो जाएगा। कुल मिला के साइकिल कंप्लीट हो गया। अब देखिए जब ये साइकिल कंप्लीट हो गया तो मैं जरा इस साइकिल के बारे में कुछ डिटेलिंग कर रहा हूँ। ये वाली जो पोजिशन है बेटा, इसको कहते हैं x=0, इस पोजिशन को कहते हैं x=+a, इस पोजीशन को कहते हैं x=-a, करेक्ट। हमने आपको बताया था v बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a²-x², ये बताया था हमने। अब आप देखिए कि जब हमने आपको ये बता दिया तो बताइए यहां पर v बराबर कितना आएगा, जीरो, यहां पर v बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस ओमेगा, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, यहां पर v बराबर कितना आएगा, जीरो। ध्यान दीजिए दिस इज मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज मिनिमम वेलोसिटी, यानी कि मीन पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पर कार्डिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, है ना। चलिए ये आपका v आ गया।
अब देखिए कैपिटल एफ, कैपिटल एफ यानी फोर्स, फोर्स आपका आया था माइनस के एक्स, माइनस के एक्स कितना आया था, माइनस के एक्स आया था, तो यहां पर आएगा एफ बराबर माइनस के एक्स यानी कि प्लस के ए आएगा, यहां पर आएगा एफ बराबर जीरो, यहां पर आएगा एफ बराबर माइनस के ए, मैक्सिमम नेगेटिव हियर मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन फोर्स, राइट ओके। स्मॉल एफ बराबर हमने आपको पढ़ाया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सीलरेशन, दिस वाज एक्सीलरेशन है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहां पर स्मॉल एफ बराबर कितना आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस ए पुट करिए, यहां पर आएगा स्मॉल एफ बराबर जीरो, यहां पर आएगा स्मॉल एफ बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये आपकी फोर्स की बात हो गई। अब चलिए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर को लिखे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये आ गया, तो एक्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो यहां पर एक्स बराबर ए लिखिए तो आपका यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा, ध्यान दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर हाफ के, देखो और यहां पर काइनेटिक एनर्जी आएगा जीरो, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर है ना, यार ध्यान दीजिए एम ओमेगा स्क्वायर को के कहते हैं हम है ना, तो यहां पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ के ए स्क्वायर है ना, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी जीरो और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम जरा टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी की बात करते हैं ना, टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब होगा कि हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान दीजिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखना आप आराम से, लिखो एक बार अच्छी तरह से, काइनेटिक एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, ये आया आपका, एंड इट इज कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका यहां होगा तब टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर होगी, दोनों का टोटल करो बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, देखो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल आएगा हाफ के ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल आएगा हाफ के ए स्क्वायर। कुल मिला के आप एसएचएम का पूरा जो है ना सिस्टम को चेक कर लो, प्लीज कम ऑन द सिस्टम, ये रहा जी एसएचएम, मीन पोजीशन से पार्टिकल गया फिर मीन पोजीशन पे आया फिर दूसरी तरफ गया फिर मीन पोजीशन पे आया, इसको कहते हैं साइकिल, इसको कहते हैं ऑसिलेशन, इसको कहते हैं वाइब्रेशन, इसको कहते हैं वन साइकिल, करेक्ट, वन वाइब्रेशन, राइट। इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है, इसका फेज एंगल टू पाई होता है, ठीक। टोटल मिला के चार टुकड़े कर दिए, टू पाई में चार का भाग लगाया तो पाई बाई टू आया, कैपिटल टी में चार का भाग लगाया तो टी बाई फोर आया, समझ गए होंगे आप है ना, यहाँ पर जीरो था यहाँ पर पाई बाई टू था पाई बाई, ये वाला पॉइंट तो एक ही एक्चुअल में, यही पॉइंट है एक्चुअल में, असली पॉइंट ये है, वो तो मैंने रास्ता बनाने के लिए यहाँ पे बना दिया ऐसा, राइट, बाकी ऐसा होता नहीं है, ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट है ना, पाई बाई टू पाई बाई टू, वहाँ पे पाई होगा फिर थ्री पाई बाई टू फिर थ्री पाई बाई, ये पाई टू पाई आ गया, इस तरीके से टी बाई फोर टी बाई फोर टी बाई टू थ्री टी बाई फोर थ्री टी बाई फोर, ये
यहाँ पर रास्ता बदलता है, यानी कि जो पार्टिकल इधर जा रहा होता है वापस इधर आना शुरू होता है, यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाता है, फोर्स जीरो हो जाता है, इसीलिए रास्ता बदल रहा है ना। नहीं नहीं सॉरी आई एम सॉरी, फोर्स जीरो नहीं, स्पीड जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, रुकेगा जब ही तो रास्ता बदलेगा भैया। ये हम आपको ध्यान है काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, सबसे पहले काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ाया था मैंने कि डायरेक्शन बदलने के लिए रुकना जरूरी है। कोई भी पार्टिकल अगर इधर जा रहा है फिर वापस लौटेगा, तो भैया वापस लौटने के लिए रुकना जरूरी है वहाँ पे, तब लौटेगा वापस, इसलिए वेलोसिटी जीरो होगी, राइट। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसके जो है ना सारी क्वांटिटीज को अलग अलग डिस्कस कर लिया, वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया, वेलोसिटी यहाँ पर मिनिमम है, ये एक्सट्रीम पोजिशन था, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, फोर्स यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, ये फोर्स मैक्सिमम है जी। माइनस के ए का मतलब ये नहीं है कि फोर्स कम है, नहीं, एक्चुअल में वो माइनस के ए जो है ना अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, फोर्स का अमाउंट तो उतना ही है, ये एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, ये एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, ध्यान दीजिए। हाँ जी, ये काइनेटिक एनर्जी आपका यहाँ पर मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी आपका टोटल एनर्जी जीरो, ये आपका टोटल एनर्जी है, राइट। टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक चीज़ बात कायदा क्लियर हो गई कि हैंस, आप लिखिए हैंस इट इज वेरी क्लियर, हैंस इट इज वेरी क्लियर दैट इन केस ऑफ एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन केस ऑफ एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ध्यान दीजिए, हैंस इट इज वेरी क्लियर दैट इन केस ऑफ एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन, टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व एंड कॉन्स्टेंट, रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व एंड कॉन्स्टेंट। हाँ जी, सब जगह कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, है ना। हेंस दस दस द रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स दस द रीस्टोरिंग फोर्स अंडर विच, अंडर विच, अंडर विच एसएचएम टेक्स प्लेस, अंडर विच एसएचएम टेक्स प्लेस, ध्यान दीजिए, दस द रीस्टोरिंग फोर्स अंडर विच एसएचएम टेक्स प्लेस, दस द रीस्टोरिंग फोर्स अंडर विच एसएचएम टेक्स प्लेस, टोटल एनर्जी वो तो है ही कॉन्स्टेंट, रीस्टोरिंग फोर्स अंडर विच एसएचएम टेक्स प्लेस इज अ कॉन्जर्वेटिव काइंड ऑफ फोर्स, इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स। हाँ जी, मैंने आपको कॉन्जर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था उसमें वर्क पावर एनर्जी में, उसमें यही था कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है कॉन्जर्वेटिव फोर्स में, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स, ऑल रीस्टोरिंग फोर्सेज, है ना, हाँ इसको लिखिए, ऑल द रीस्टोरिंग फोर्सेज, ऑल द रीस्टोरिंग फोर्सेज, फोर्सेज ऑल द रीस्टोरिंग फोर्सेज ऑफ ऑल एसएचएम्स आर कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज, सारे के सारे कॉन्जर्वेटिव फोर्स होते हैं, हाँ जी। अब देखिए रीस्टोरिंग फोर्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कल, और कल हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। आप लोग अपना फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 1 खोलिए एक बार तेजी स्पीड से, प्लीज ओपन पेज नंबर 1 ऑफ द फॉर्मूला चार्ट, है ना। देखिए फॉर्मूला चार्ट आपको भेज दिया गया है, पेज नंबर 1 आप इसको चेक करिए। तो आपको मैंने ये जो है ना पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पहले ही पढ़ा दी थी, एसएचएम पढ़ा दिया था, एसएचएम का ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया था, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। हाँ, मैथमेटिकल इक्वेशन बता दी थी आपको, मैथमेटिकल कंसेप्ट बता दिया था, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम बता दी थी, तो आप इनको सबको कंप्लीट करिए, है ना। आज हमने आपको ये, अच्छा ये सॉल्यूशंस भी मैंने सारे बता दिए थे, फेज एंगल वगैरह भी मैंने बता दिए थे सारे, है ना। हाँ, एक छोटी सी बात है,
यहाँ पे लिखा हुआ है आपके देखिए फॉर्मूला चार्ट में राइट हैंड साइड पर मिडल के अंदर, कि अगर फेज डिफरेंस दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस अगर 0, 2π, 4π, 6π, 8π, इवन π का फेज डिफरेंस है ना, तो फिर वो सेम फेज में कहलाते हैं। और अगर फेज डिफरेंस ऑड पाई का है, π, 3π, 5π, 7π, 9π, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स का है तो हम कहेंगे कि सेम फेज है, ऑड नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो हम कहेंगे कि अपोजिट फेज है। ठीक है, अपोजिट फेज है, तो ये आपको कोई खास बात नहीं है, वो हम आपको आगे भी समझाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, राइट। यहाँ पे देखिए वी ए एफ ओ ये सब बता रखा है, ग्राफ भी बना रखे हैं, और हाउ द एस एच एम इज रियली एग्जीक्यूटेड। आज मैंने इसका एक टुकड़ा समझाया है आपको, ध्यान दीजिए, कल हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, हाउ द एस एच एम इज रियली एग्जीक्यूटेड। इसमें हम बात करेंगे कि जो एंगल्स और टाइम पीरियड जो है वो कैसे कैसे डिवाइड होता है, तो वो हम डिवाइड करेंगे कल, ठीक है। और ये जो है बाकी आपका ये चैप्टर बस जो है ना अंतिम सांसें गिन रहा है, हो जाएगा, ठीक है। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे एक्चुअल में, हाँ ज़्यादा तो इसमें एग्जांपल्स में ही 3-4 लेक्चर बन जाएंगे इसके, तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स करेंगे हम, है ना, तो वो हम कल से करेंगे। तो आज की नमस्ते, इसके नोट्स वगैरह आज ही बना लो, बना ही लिए होंगे।